नमस्ते दर्शक मित्रों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं मिताली आपका स्वागत करती हूँ। 5 वर्ष पूर्व की घटना है। एक लड़की मेरे पहचान में है जिसकी एंगेजमेंट हुई थी। अक्सर मंगेतर से मिलती थी, बहुत बार उनका मिलना जुलना होता था। एक बार ऐसे ही डिसाइड हुआ कि होटल में मिलेंगे। वो होटल में पहुँची, मंगेतर पहुँचा नहीं था, वो इंतज़ार कर रही थी। टेबल बुक किया हुआ था, वेटर बार बार पूछ रहा था कि मैम आपको क्या चाहिए। वो और भी इरिटेट हो रही थी। बाहर अंदर करते करते आधे घंटे से ऊपर समय निकल गया। फ़ोन लगातार ट्राई कर रही थी पर फ़ोन लग नहीं रहा था। 2 घंटा चला गया। बाहर आई, बहुत गुस्से में थी। थोड़ी देर बाद देखा मंगेतर दूर से ही बहुत ही अच्छी स्माइल देते हुए हाथ हिलाकर उसके पास पहुंच रहा था। उसको और ज़्यादा गुस्सा आया और उसने पास वाला पत्थर उठाकर उस पर फेंका। नतीजा ये था कि शादी टूट गई। जब मेरे पास आई, मैंने पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो कहती मुझे पता नहीं था उस समय मुझे क्या हुआ, मैं अपना आपा खो बैठी थी। ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हमारे जीवन में सबके साथ होती हैं। हमें पता ही नहीं चलता है हमारी भावनाएं किस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं। आज सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में हम इन्हीं भावनाओं को विस्तार से देखेंगे कि ये होती क्या है, कैसे हम इसको कंट्रोल में रखें। और हर बार की तरह डॉक्टर सचिन हमारे साथ हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। ओम शांति, नमस्ते। ओम शांति। जैसे हम देखते हैं छोटी छोटी बातें हैं और हम अपना आपा खो बैठ देते हैं, जैसे मेरी वो पहचान वाली लड़की ने भी किया था। भावना एग्जैक्टली है क्या? आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि आपा खो बैठना या अपना कंट्रोल चला जाना, इसको एक बहुत अच्छा शब्द हम इस्तेमाल करते हैं साइकोलॉजी में, हम कहते हैं इमोशनल हाईजैकिंग। भावना जो आपने पूछा, उसको अंग्रेजी में जो शब्द है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है इमोशन। इमोशन शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है कि इमोशन का फुल फॉर्म है एनर्जी इन मोशन। ये एनर्जी होती है और इन मोशन होती है, मन स्पीड से आई हुई एनर्जी है। और कोई भी चीज़ स्पीड से जब आती है तो रास्ते में जो भी है उसको लेके जाती है। यहाँ पे दो चीज़ें हमको समझनी है, एक है भावना और साथ में है विवेक। जो उदाहरण आपने बताया उसमें भावना इतनी स्पीड में थी कि वो बहन को बाद में पश्चाताप हुआ, क्योंकि उस समय उस विवेक का हरण हो चुका था वो भावना की वजह से। तो भावना माना अति तीव्र वेग से आई हुई आपकी फीलिंग्स, भाव कहो या इसको संवेग कहते हैं शुद्ध हिंदी में, वेग से स्पीड से आती है, एनर्जी इन मोशन या संवेग या आवेग, ऐसे शब्द इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब जो एनर्जी बहुत स्पीड से आती है हम उसको इमोशन कहेंगे। तो एग्जैक्टली इमोशन या फीलिंग, क्या ये सब एक ही है, इनके नाम अलग अलग है क्या? बेसिकली हम देख रहे हैं कई एपिसोड से कि दो चीजें, एक शरीर और आत्मा है, ठीक है, इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जो शब्द आपने अभी इस्तेमाल किए ये सब एनर्जी के ही हिस्से हैं। कुछ है वो कॉन्क्रीट है माने स्पष्ट है, और कुछ है वो अस्पष्ट है, और कुछ है वो एनर्जी स्पीड से आ रही है। ये तीनों एक ही एनर्जी के हिस्से हैं। जब वो एनर्जी स्पष्ट रूप में मेरे अंदर होती है विचारों के रूप में, या ऐसी एनर्जी जो बिल्कुल स्पष्ट है, कॉन्क्रीट है, क्लियर है, उसको हम विचार बोलते हैं। जब आप बोलते कुछ तो हो रहा है पर पता नहीं क्या हो रहा है, तो ये अस्पष्ट रूप में है और उसने अभी तक स्पष्ट रूप नहीं लिया है जी। तो वो फीलिंग्स है, वही फीलिंग जब बहुत स्पीड में आती है तो उसको हम भावना कह सकते हैं। इसके लिए अलग अलग नाम है, जैसे थॉट्स के लिए विचार कह सकते हैं, फीलिंग्स के लिए भाव कह सकते हैं, और जब वो स्पीड में आती है तो भावना। तो विचार, भाव, भावना। तो हमने पहले भी देखा विचार से भाव उत्पन्न होता है, भाव से भावना, भावना से दृष्टिकोण। अभी इन सबको हमने अलग अलग नाम हमारी सुविधा के लिए दिए हैं। उस बहन का जो आपने उदाहरण दिया, इट्स अ वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एंगर, जो एक भावना है जिससे बहुत नुकसान होता है। जितने भी लोग जिनके हाथ से मर्डर हुए हैं, या यहाँ पे तो मर्डर हुआ है लेकिन रिलेशनशिप का मर्डर हुआ है, कोई स्थूल मर्डर भी होता है, या जितने भी लोगों ने अपने रिश्ते को तोड़ा है किसी भी प्रकार का, या व्यक्ति को तोड़ा है, वो इसी भावना के अंदर होते हैं। और उस समय आपका विवेक वहाँ पर नहीं रहता है। हम इसको एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, किसी का हरण करते हैं ना, वैसे ये विवेक हरण है।
और वो किया गया भावना बेन की तरफ से, माना उस समय आपको पता नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हैं। इसके ऊपर बहुत अच्छा भगवत गीता में दूसरे अध्याय में 62 और 63वां श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुप जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यते। ध्यायतो विषयान पुंसा, माना अभी वो वहां पर बैठी थी और चिंतन कर रही थी कि हमारी अभी शादी होने वाली है और इसको टाइम पता था, फिर भी ये नहीं आ रहा है। चलो नहीं आ रहा, यहाँ तक ठीक है, आधा घंटा फोन भी नहीं कर रहा है जी। तो उस समय मेरे विचार एकदम निगेटिव जा रहे हैं, स्पीड बढ़ चुकी है, उस समय कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं क्या समझने की अवस्था में हूँ। जब ये क्रोध उत्पन्न होता है तो क्रोध से बुद्धि का नाश होता है, जब बुद्धि का नाश होता है तो सर्वनाश हो जाता है। माना उसको ये पूछना पहले चाहिए था कि आप लेट आए, आप उसका कारण बता सकते हैं क्या। लेकिन वो आवेग इतना तेज से आया हुआ था और उसमें जैसे कि क्यों हंसते हुए आ रहा है, उस समय भी गलत सोच देखो कैसा चल रहा है कि मैं इधर 2 घंटे से राह देख रही हूँ, मेरे टाइम की वैल्यू नहीं है, आप शादी के पहले मुझे इतना रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, बाद में आप क्या करने वाले हैं। आई स्ट्रेट अवे जंप टू द कंक्लूजन्स, मैं डायरेक्ट कंक्लूजन पे कि यही होना चाहिए कि इसको मेरी रेस्पेक्ट नहीं है, इसको कोई कदर नहीं है, अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा, और पत्थर उठाया फेंक दिया है ना, और शादी टूट गई। मेजॉरिटी एंगर के केसेस, इवन जिन्होंने मर्डर किया उनको पूछा कि आप तो अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे घर से है, तो आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा सर हम बहुत अच्छे है, हमको भी ये पता है, लेकिन उस क्षण हमको पता नहीं था हम क्या कर रहे थे। तो बेसिकली भावनाएं विचार से आगे हैं, विचार मतलब हमारा बीज है, और भावनाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसका डिफरेंस पता नहीं चलता है। विचार कब भावना में परिवर्तित हो जाता है वो हमको पता नहीं चलता है, विचार अलग है भावना अलग है। इसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि एरिस्टोटल नाम का एक फिलोसोफर हो गया, उसने बहुत अच्छा कहा है, हम क्रोध के ऊपर ले रहे कि इट इज टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन in the right degree, at the right time, and in a right way. You know, it is not easy. Mana, anyone can become angry, but to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, and in a right way, that is not easy. Mana, gussa karna bahut aasan hai, lekin samay pe योग्य तरीके से योग्य व्यक्ति के साथ। इसमें मेरे को तरीका ये शब्द बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैनेजमेंट में हम एक बात हमेशा कहते हैं कि इट इज नॉट व्हाट यू से बट द वे यू से दैट मेक्स द डिफरेंस। अगर इसी भावना को आप कंट्रोल रूप में यूज करते हैं ना, वो मिरेकल का काम करती है जी। ठीक है, तो विचार भावना का रूप लेता है, और जब आपको पता नहीं चल रहा आप क्या कर रहे हैं, विचार भावना का रूप लेता है। यस, ऑब्वियसली विचार रहता ही है भावना के पहले, बगैर विचार के भावना नहीं उत्पन्न हो सकती जी। है। क्या होता है, वो भावना इतनी स्ट्रांग रहती है कि उसके पीछे का जो विचार है वो हम पकड़ नहीं पाते हैं जी। और ये सब बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है, और यहाँ पर ही राजयोग मेडिटेशन काम करता है कि जैसे आप मेडिटेशन का अभ्यास करने लगते हो, आपके अंदर इतनी क्लैरिटी है कि मेरे अंदर ये विचार उत्पन्न हो रहा है, वो समझता क्या है अपने आप को, उसने मुझे दुख दिया, मेरे को क्लैरिटी है, मेरे को पता चल रहा है कि मेरे अंदर वो एंगर बिल्डअप हो रहा है। कई बार क्या होता है, एंगर हो जाता है फिर पता चलता है, इसका मतलब जब वो बिल्डअप हो रहा था उसके पीछे के विचार थे, आप वो देख नहीं पा रहे थे। तो विचार ही भावनाओं में परिवर्तित होता है, उस विचार के लेवल पर भी हम थोड़ा कंट्रोल में रहते हैं, और वहां पर ही हमने उसको रोक लिया या परिवर्तन कर लिया, तो आगे जो नुकसान होने वाला है वो नहीं होता जी। भावनाएं कितने प्रकार की हैं? ओवरऑल जितनी भी भावनाएं बताई है उसमें 6 भावनाएं हैं जिनको महत्वपूर्ण माना गया है। वो 6 भावना है, एक तो जिसके ऊपर हमने चर्चा की एंगर, दूसरा है फियर जी, तीसरा है सरप्राइज माना आश्चर्य की भावना, चौथा है डिसगस्ट माना कोई चीज अच्छी नहीं लगती, डिसगस्टिंग हम बोलते हैं, पांचवा है हैप्पीनेस, छठा है सैड, सैड माना दुखी जी। तो ये सभी भावनाएं अगर आप देखेंगे ना, तो मुझे साइकोलॉजी में एक चीज आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी,
जी मेरे को बहुत आश्चर्य लगता है पॉजिटिव साइकोलॉजी बोलने का समय आया है, क्योंकि मेजॉरिटी साइकोलॉजी वो निगेटिविटी के ऊपर फोकस करते जी हैं, क्योंकि निगेटिविटी से नुकसान ज़्यादा होता है तो उसको रोको, लेकिन दूसरी एस्पेक्ट को हम नहीं देखते कि जो पॉजिटिव फीलिंग्स है या भावना है उसको हम सोच नहीं रहे, और मेडिटेशन वहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पर ये 6 बेसिक इमोशंस बताए ना, तो उसमें आप देखो एक ही पॉजिटिव भावना है, वो हैप्पीनेस, जी एंगर, फियर एंड सैड, बाकी सब इसके ही ब्रांचेस हैं। जैसे क्रोध, अभी क्रोध बहुत बड़ा परिवार है। एक जी क्रोध होता है जो आपने बताया मार के फेंक दिया, जी दूसरा क्रोध होता है जोर जोर से बोलना, एक कर्मों के लेवल पे, एक वाचा के लेवल पे आप किसी का अपमान कर देते हो, ये तो बड़े क्रोध है दिखाई देते हैं। जी फिर सूक्ष्म क्रोध बहुत खतरनाक होता है, कोई आपसे आगे जा रहा है ऐसे आपको लगता है, जिसको ईर्ष्या कहते हैं, ये भी क्रोध जी है। फिर आप किसी से नाराज हो जाते हैं, तो नाराज होना भी क्रोध है, जी आपका चेहरा बताता है आप गुस्से में है क्या नहीं, आपकी ये आगे इसको ये जो मसल है फ्रंटल मसल वो ऐसे हो जाती है। हाँ, फेशियल एक्सप्रेशन हाँ, से ही फेशियल पता चल एक्सप्रेशन जाता है, मसल एक है, बार बात नहीं करते हैं या लेकिन बात फिर नहीं भी करना ये भी क्रोध है ना। तो ये सब जी क्रोध का परिवार बहुत बड़ा है, दिखाई देता है क्रोध, पर ये जी सब नुकसान, रिसेंटमेंट करके एक फीलिंग है कि मेरे को ऐसा जी कहा, मेरे को ऐसा कहा, जी 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 1 महीना, 1 साल, 10 साल से वही बात को याद कर रहे हैं, जी ये क्रोध का ही रूप है। वैसे ही फियर का भी अलग अलग रूप है, जो हमने जी एंग्जाइटी देखा या चिंता, वो फियर के अलग अलग रूप है। ऐसे ही सैडनेस के अलग अलग स्टेज है, कई लोग डिप्रेशन ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं डिप्रेस हूँ, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि डोंट यूज दिस वर्ड, क्योंकि ओके डिप्रेशन ये डायग्नोसिस है और अच्छा आपको नहीं पता कि डिप्रेशन का डायग्नोसिस कैसे होता है, वो डॉक्टर के ऊपर छोड़ दे, जी ये डिप्रेशन में ऐसा नहीं कहो, आप ये कहो कि उसका मूड लो है। लेकिन आजकल ये शब्द इतना इजीली यूज किया जा रहा है यस क्योंकि मूड नहीं रहता, उसको डिप्रेशन कहते हैं, लोगों को एक बिलीफ है ये। हाँ, तो ये नहीं करना चाहिए, डिप्रेशन एक डायग्नोसिस है और वो डॉक्टर को करने दो, वो भी वो जिस फील्ड का है उसको करने दो, उसका क्राइटेरिया होता है। आप ये कहो कि मूड लो है, हाँ, या हाँ दुखी है, पर डिप्रेस्ड में गया है डिप्रेशन में, ऐसे नहीं कहो। इससे क्या होता है कि फिर उसके ऊपर वो लेबल लग जाता है, और ये जी नहीं भी है तो भी आप चले जाएंगे, चले क्योंकि जाए 10 लोग आपको बार बार कह पूछ रहे रहे हैं। हैं या सोच किसी रहे को भी हैं। लेबल नहीं लगाओ, हम कहते हैं नॉन जजमेंटल रहो, तो आपका काफी सारा ये जो भावनाएं हैं या आप इंटर रिलेशनशिप में जो परेशानी जी आती है वो कम हो सकती है। आजकल रिसेंट इयर्स में इमोशनल इंटेलिजेंस ये शब्द बहुत यूज हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है? ये शब्द का हिस्ट्री तो आता है 83 से, जी गार्डनर नाम के साइकोलॉजिस्ट ने मल्टीपल इंटेलिजेंस शब्द इस्तेमाल किया। उसके बाद 89 के करीब पीटर एंड साल्वो, इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस दिया शब्द और उसके कुछ परिभाषाएं दी, लेकिन सही माने में इस शब्द को फेमस करने वाले जो साइकोलॉजिस्ट है वो है डैनियल गोलमैन, जी जिन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस, और उसके बाद में और एक किताब लिखी वर्किंग विद इमोशनल, ये दोनों इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गए। डैनियल गोलमैन का क्या कहना था और उसका निरीक्षण भी था कि पहले हम इंटेलिजेंस माना जिसका आईक्यू अच्छा है, जी जो बुद्धिमान है, जो हम समझते हैं आईक्यू अच्छा है, वो समझते थे कि वो व्यक्ति जिंदगी में सफल होगा, लेकिन उनका जो निरीक्षण था वो इसके बिल्कुल विपरीत था, जिनका आईक्यू एकदम अच्छा है वो जिंदगी में फेल हो रहे थे, माना वो पढ़ाई में अच्छे थे जी लेकिन रिलेशनशिप्स को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। जी तो फिर उन्होंने देखा कौन लोग हैं, तो उन्होंने देखा जो एवरेज इंटेलिजेंस वाले हैं जी लेकिन ईक्यू में बहुत अच्छे हैं, इमोशनल क्वोशेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर उन्होंने इसका इसके बारे में वर्कशॉप लिया और इसके ऊपर जी किताब लिखी कि इट इज नॉट द आईक्यू बट ईक्यू, ये भी इम्पॉर्टेंट है साथ में, माना आईक्यू अगर आपको अच्छा है, अंग्रेजी में हम ऐसे कहते हैं फॉर गुड आईक्यू यू आर हायर्ड फॉर द जी जॉब एंड यू आर फायर्ड फॉर द लैक ऑफ ईक्यू, तो ओके आईक्यू अच्छा है तो आपको हायर किया जाएगा, लेकिन अगर ईक्यू अच्छा नहीं तो यू विल बी फायर्ड, जी क्योंकि ईक्यू वाला व्यक्ति क्या होता है, ईक्यू या इमोशनल इंटेलिजेंस, वो अपनी भावनाओं को जानता है। दो शब्द इसमें है, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल, तो जी खुद की भावनाओं को समझना और उसके ऊपर नियंत्रण रखना, और वैसे ही दूसरों की भावनाओं को समझना
और उससे अपने रिलेशनशिप को अच्छी तरह से बनाए रखना। जी तो इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति इसमें माहिर होता है। इसके जी वजह से वो क्या करता है, वो टीम को जल्दी बना लेता है और टीम के साथ आगे बढ़ता है। तो ऐसे लोगों को कंपनियों की जरूरत है, ऐसे नहीं जो गुस्सा निकालते हैं, दूसरों को फायर करते, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी का नुकसान होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस माना खुद की भावनाओं के प्रति और दूसरों के भावनाओं को सम्मान देना और अपने रिलेशनशिप भी बनाए रखना, ये दो बातें इसमें आती हैं। अच्छा, आपने इसको एक्सप्लेन किया। जैसे आपने कहा IQ, EQ, आजकल ये SQ भी बहुत चल रहा है। यस, ये क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस ये कॉन्सेप्ट 1995 में डैनियल गोलनेल ने बहुत फेमस किया और पूरे विश्व में इससे काफ़ी परिवर्तन आए, बहुत सारे वर्कशॉप हुए। तो जैसे पहले उन्होंने किताब लिखी थी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, बाद में उन्होंने लिखा कि वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर भी कुछ साइकोलॉजिस्ट इसके ऊपर सोच रहे हैं कि व्यक्ति के पास IQ भी है, EQ भी है, फिर भी वो खाली अनुभव कर रहा है अंदर से। इसको एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी या आध्यात्मिक दिवाला निकलना। माना सब कुछ है मेरे पास, मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत प्रोग्रेस कर रहा हूँ, फिर भी मैं अंदर से खालीपन अनुभव कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्यों जीना है, जबकि मेरे पास सब कुछ है। जी। तब दो साइंटिस्ट इयान मार्शल एंड डैना जोहर, इन्होंने बहुत रिसर्च करके नया क्यू लाया और उसका नाम था SQ, या जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल क्वोशेंट। ये कब से ज्यादा पॉपुलर होने लगा? 2000 से इसके ऊपर चालू है, उनका बुक आया स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस अल्टीमेट इंटेलिजेंस। तो अभी हम कहते हैं IQ यू आर हायर्ड, विथ EQ यू आर प्रमोटेड, बट विदाउट SQ यू कैनॉट बी सेटिस्फाइड। तो SQ से जीवन में संतुष्टता आती है, पर्पज एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। तो IQ माना आप कितनी किताबों का नॉलेज ध्यान में रखते हैं, है ना, पढ़ाई में आप कितने होशियार हैं। EQ माना आपका भावनिक बुद्धिमत्ता कितना है, इंटर एंड इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। और SQ माना अल्टीमेट इंटेलिजेंस, जो ये दोनों क्यू को इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि वो पर्पस बताता है कि आपका जीवन किस लिए है। जी, है ना। ऐसे कहते हैं कि हमारे जीवन में दो दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते, एक जिस दिन हमारा जन्म हुआ और दूसरा जिस दिन हमको पता चलता है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। सो दैट इज पर्पस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। तो वो SQ है। तो SQ वाले लोग पूरे विश्व को बदलने की कैपेसिटी रखते हैं। अच्छा। क्योंकि वो पर्पस में इतना फोकस होते हैं कि उनसे अनेक लोग प्रेरणा लेते हैं। सो दे आर द रियल लीडर्स। तो जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स या जायंट्स होके गए, दे आर लिविंग लाइव्स ऑफ SQ। स्वामी विवेकानंद होके गए या मदर थेरेसा होके गए, जितने भी बहुत सारे या प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने जीवन का उद्देश्य समझा कि यस, मेरा जीवन इसलिए हुआ है कि मुझे नई दुनिया की स्थापना करनी है, और परमात्मा ने उनको यूज किया। तो राजयोग मेडिटेशन से हमको हमारा EQ तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ में हमारा SQ भी बढ़ने लगता है। आगे भी हम इसकी चर्चा जारी रखेंगे। जाने के पहले हम एक बार मेडिटेशन जरूर करना चाहेंगे। एकदम हल्के अवस्था में रखेंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक पूरा शरीर एकदम हल्का छोड़ेंगे। महसूस करेंगे कि मेरा पूरा शरीर एकदम हल्का हो चुका है, ध्यान दो आंखों के बीच में, और स्वयं को एक दिव्य सितारा अनुभव करेंगे जो इस शरीर से बिल्कुल भिन्न है, शांत स्वरूप है, चैतन्य है। जैसे मैं एक दिव्य प्रकाश हूँ, परमात्मा जो सर्व मनुष्य आत्माओं का पिता है, गॉड अल्लाह ईश्वर है, वो भी एक दिव्य सितारा है, प्रकाश है, और वो ज्ञान का सागर है, सर्वशक्तिवान है। उस सर्वशक्तिवान ज्ञान के सागर परमात्मा से ज्ञान का प्रकाश मेरे पास आ रहा है, सर्व शक्तियों का प्रकाश मेरे पास आ रहा है। और जैसे लाइट मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, मेरी शक्तियां बढ़ते जा रही है, मैं शांत स्वरूप अवस्था में जा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस अवस्था में मैं अपने आप को साक्षी होके देख रहा हूँ, मुझे अपने विचारों में, भाव और भावनाओं में
क्लैरिटी, स्पष्टता नजर आ रही है और मुझे ये महसूस हो रहा है कि अगर मैं निरंतर इस अवस्था में रहूं, स्वयं को आत्मा समझकर कर्म करूं, तो जो भी परिस्थितियां आती है उसमें मैं स्थिर रह सकता हूं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रख सकता हूं। मुझे महसूस हो रहा है मेरी भावनाएं मेरे नियंत्रण में है। आनंद स्वरूप आत्मा हूं मैं, खुशी मेरा स्वभाव है, शांति मेरा स्वभाव है और मैं शक्ति स्वरूप हूं। मैं जो चाहे उन विचारों का निर्माण कर सकती हूँ और मैं हमेशा सकारात्मक विचारों का निर्माण करूँगा। किसी भी परिस्थिति में मैं किसी भी व्यक्ति को लेबल नहीं लगाऊंगा और गुस्सा करने के बजाय पहले मैं परिस्थिति को समझने का प्रयास करूँगा। इसलिए शांत स्वरूप अवस्था मुझे इसमें सहयोग देगी। अगर मेरी भावनाएं मेरे बुद्धि का हरण कर रही हैं, तब मैं योग के द्वारा अपने बुद्धि को स्थिर रखूंगा और अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखूंगा। इसका आत्मविश्वास भी मुझे आ रहा है। मैं हमेशा इसके ऊपर अटेंशन रखूंगा और साथ ही साथ अपने जीवन के बारे में सोचता रहूंगा कि मेरे अंदर क्या विशेषता है जिसको मैं विश्व कल्याण के प्रति इस्तेमाल कर सकता, जिससे कि मेरा एसक्यू स्पिरिचुअल पोषण भी बढ़ता जाए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं स्वयं से संतुष्ट हूँ। परमात्मा जो कि खुशी का सागर है, आनंद का सागर है, उससे आनंद का प्रकाश भी मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। अब मैं इमोशनली इंटेलिजेंट, भावनाओं में बुद्धिमान और आध्यात्मिक रीति से भी बुद्धिमान स्वयं को अनुभव कर रहा हूँ। मेरी भावनाएं मेरे नियंत्रण में है, मेरे विचार स्पष्ट है, मेरे जीवन का लक्ष्य भी मेरे सामने स्पष्ट है। मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, शांत हूँ, प्रसन्न हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आपने पूरी बातचीत के दौरान हमें EQ कैसे उसकी शुरुआत हुई, कैसे इस पे रिसर्च हुआ, SQ कैसे शुरुआत हुआ, उसकी रिसर्च कैसे हुई, क्यों इसकी ज़रूरत महसूस होने लगी समय के अनुसार, इस पर आपने हमें बहुत सारी अच्छी बातें हमको बताई, अच्छी बातें हमको सुनाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज हमने देखा IQ मतलब बहुत सारी किताबों का नॉलेज होना, EQ मतलब अपनी भावना और सामने वाले की भावनाओं को समझना, और SQ मतलब मुझे अपना पर्पस समझना कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है। बहुत सुंदर ये तीनों बातें हमें क्लियर हुई हैं, हमें विचार और भावनाओं का अंतर समझ में आने लगा है और भावनाओं को कंट्रोल कैसे रखना है इसके बारे में और हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले कड़ी में। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए या फिर फ़ोन से हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हम नए सीक्रेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।